लास्ट uh, क्लास में अंदर हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था और टॉपिक का नाम था सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स राइट और उस टॉपिक के अंदर हमने अपने मेनली चार टॉपिक कंप्लीट किए थे नंबर वन इज़ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देन आई सिस्टम एंड लास्ट वन इज़ आइसोमेरिज्म तो लास्ट क्लास के अंदर हमारा आइसोमेरिज्म तक टॉपिक जो था वो कवर हो गया था आज हम मेनली बेसिकली बात करेंगे फैशन ऑफ आ कोवलेंट बॉन्ड तो ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की आगे हम देखेंगे इसके अलावा जो हमने आज जो हमने टॉपिक करेंगे फैशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के अलावा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन आ कोवलेंट बॉन्ड दैन उसके बाद हम करेंगे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस राइट तो अब जो टॉपिक आज हम जो कवर करेंगे उसमें काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं और टाइप ऑफ रिएक्शंस कितनी होती है ना कितने टाइप की रिएक्शन चलती हैं केमिकल रिएक्शन उसके बाद मेथड देखेंगे हम प्यूरिफिकेशंस के तो ये एक, एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बहुत जनरेट होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अपना फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सॉरी फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड द ऑर्गेनिक रिएक्शन बिगिन विद द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दिस ब्रेकेज ऑफ टू टाइप फिशन का मीनिंग क्या होता है टूटना और किसका फिशन हो रहा है कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो नोट एनर्जी तो रिलीज होगी होगी अब वो फिशन किस टाइप का हो सकता है उसके बारे में हम देख लेते हैं पहला फिशन है होमोलिटिक फिशन और सेकंड है इनहिट्रोलिटिक फिशन राइट right? अब क्या डिफरेंस है ये डिफरेंस देख लेते हैं तो क्या कहता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन बिगिन विद द विद्रज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दिस ब्रेकेज ऑफ इज ऑफ टू टाइप फर्स्ट इज होमोलिटिक फिशन एंड सेकेंड वन इज हिटोलिटिकेशन होमोलिटिक फिशन क्या है वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर इन ए कोवलेंट बॉन्ड गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम जनरली होमोलिटिक फिशन टेक प्लेस इन नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर सिंपली बात किया होमोलिटिक फिशन का मीनिंग होमो का मतलब होता है सेम है ना फिशनों होगा टूटने के बाद दोनों को जो प्रॉपर्टी है वो अपनी बराबर मिल जाएगी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी एक सिंगल बॉन्ड के अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी आफ्टर फिशन वो एक एक इलेक्ट्रॉन को वापस मिल जाएगा राइट और जनरली इस तरीके की, की आपको जो फिशन देखने को मिलेगा कहाँ भी मिलेगा जो नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे राइट तो जैसे हमारे पास है ए और बी के बीच एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ जो जैसे ब्रेक हुआ इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपको ये फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे तो क्लोरीन के साथ भी ऐसे ही होता है अब बात करते हैं हिटोलेटिक फिशन के अंदर द बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे दैट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज़ विद वन ऑफ़ द फ्रैगमेंट्स अराइजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस तो यहाँ क्या हो रहा है बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हो रहा है और इस तरीके से ब्रेक होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो किसी एक, एक एटम के साथ जाएगा राइट अराइजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव और इस वजह से क्या होगा जिसके पास आ उसका गया उसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जिसका जिसके हाथ से इलेक्ट्रॉन चले गए उसमें पॉजिटिव तो इस तरीके से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल रिसीव होगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर भी हुआ है एक्चुअली बी के पास पूरा इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था वो आ गया और इसके पास अपने एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके पास नेगेटिव तो एस सी एल में देखने को मिलता है एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव हाइड्रोलाइटिक फिशन जनरली टेक प्लेस इन द पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल बट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक ए एल सी एल थ्री और एफ सी सी एल थ्री तो जनरली हाइड्रोलाइटिक फिशन हमें देखने को कहाँ मिलेंगे ऑलवेज कहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ पे पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हो इसके अलावा पोलर मतलब जहाँ पर चार्ज है ना और नॉन पोलर में कहाँ देखने को मिलेंगे जब आप उनकी रिएक्शन किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाओ लाइक ए एल सी एल थ्री एफ ई सी एल थ्री इसके साथ साथ राइट नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीशीज राइट इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीशीज क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशियट इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशंट स्पीशीज डेट अटैक एट ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर विच इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ द सबस्टेट इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और न्यूक्लियोफाइल्स में कौन होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है जो रिच है राइट right? तो वो कहता है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ये कौन सी स्पीशीज होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये कहाँ अटैक करेंगे दैट अटैक एट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये किस जगह पर अटैक करेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा विच इज़ द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट ऑल नॉन मेटल कैटाइन एंड मेटल कैटाइंस विच हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल आर इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होंगे जिनकी जो आउटर शेल है वो खाली रहे तो ऐसे कौन हो सकते हैं सारे के सारे नॉन मेटल कैटाइन और मेटल कैटाइन राइट सारे के सारे नॉन मेटल के टाइम और मेटल क्राइन जिनका कौन सा वेकेंट होता है डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है और ये कैसे बिहेव करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल एग्जाम्पल है सी एल पॉजिटिव एन ओ टू पॉजिटिव और सी एस थ्री सी ओ पॉजिटिव राइट लुइस एसिड्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट एग्जाम्पल बी एफ थ्री जेड एन सी एल टू एन हाइड्रस होता है एफ ई सी एल थ्री एन हाइड्रस एल सी एल थ्री एन हाइड्रस और सी एस टू इसके दो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेट्रा आर इलेक्ट्रो ये सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स है नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स सीओ टू एस ओ टू आर दी इक्ट्रोफाइल नॉन मेटल में ये हमारे पास एक्जाम्पल आ गया तो आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं तो इन एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा याद रखें और इम्पॉर्टेंट है इनसे बाहर को जाने वाली चीज़ है नहीं नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्फाइल इलेक्ट्रॉन रिक स्पीशीज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट अटैक एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्टेट ये सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं और ये अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये कहाँ कहाँ अटैक करेंगे जो इलेक्ट्रो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑल एलाइंस जैसे क्लोराइड आइन है ना सी एल नेगेटिव एन एच टू नेगेटिव ओ एच नेगेटिव हाइडोक्सालाइन एसेट्रा और लूइ बेसिस में एन एच थ्री इसके दो हैं और एच टू ओ इसके पास भी चार हैं ये अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ऑक्सीजन के पास चार इलेक्ट्रॉन है है ना ये हमारे पास ओ एच ग्रुप है तो उसके पास भी चार है एसेक्ट्रा तो बेंजीन एल्कीन एक्सेट्रा तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं न्यूक्फाइल्स तो आपने याद रखना है कौन कौन से क्या है न्यूक्लियो फैलिसिटी ऑर्डर इज एच नेगेटिव इज ग्रेटर दैन सी एस थ्री नेगेटिव इज ग्रेटर दैन एन एच टू नेर ओ नेगेटिव इज ग्रेटर देन वो एच नेगेटिव जनरली स्ट्रॉन्ग बेस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल तो ये भी याद रखने वाली बात है कि जितना ज़्यादा वो स्ट्रोंग बेस होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा हाईली न्यूक्लियो फाइल होगा राइट right? अब बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की दीज आर द स्पीशीज फॉर्मड इन द इंटरमीडिएट स्टेप्स ऑफ ए सेक्शन तो इंटरमीडिएट का मीनिंग क्या होता है जैसे कोई रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ए पॉइंट से चली जेड पॉइंट तक तो बीच में जितने भी इंटरमीडिएट जो स्टेप्स आए वो सारे के सारे किस्म में काउंट होंगे इंटरमीडिएट के अंदर तो दीज आर द स्पीशीज फॉर्मड इन द इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ ए सेक्शन दीज स्पीशीज़ आर जनरली शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव एंड आर कॉल्ड द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स तो इनकी जो लाइफ स्पैन होता है बहुत कम होता है और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं इसीलिए इनको कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एक्जाम्पल फ्री रेडिकल्स कार्बन कैटाइंस कार्बन एनाइंस कार्बीन्स नाइट्रींस ये सारे के सारे कैसे होते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन कौन फ्री रेडिकल्स कार्बन के अटाइंस कार्बेनाइंस कार्बीन्स और नाइट्रीन्स देख लेते हैं इनको फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आर हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं न्यूट्रल होंगे और हाईली रिएक्टिव होते हैं द ऑर्डर ऑफ़ द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल इज ये ऑर्डर दिया हुआ है एक सी सिक्स एच फाइव का होल थ्राइज सी के पास एक है इज ग्रेटर देन सी सिक्स एच फाइव टू सी के पास एक और एच लगा हुआ है इज ग्रेटर देन सी सिक्स एच फाइव सी एच टू और एक राइट right? और इस तरीके से पूरी सीरीज बनी हुई है यहाँ डबल बॉन्ड दो बॉन्ड लगे हुए हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू इस ग्रेटर देन टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच कार्बन कंटेनिंग केमिकल स्पीशीज बेयरिंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एंड कैरिंग सिक्स इलेक्ट्रॉन इनिट्स वेल एंड शेल आर कॉल्ड कार्बन कैटाइंस तो क्या हुआ उसने कहा कि किसी भी केमिकल स्पीशीज के अंदर जो कार्बन है बेरिंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उस एंड कैरी सिक्स इलेक्ट्रॉन वो और कितने कैरी कर रहा हूँ वो सिक्स इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ अपनी वेलेंस शेल के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे कार्ब कार्बो कार्बो कार्बोकेटाइन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज सिक्स इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन दैट इज़ इट कैट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल द कार्बन कैटाइन फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो उसको आप अच्छे से याद कर ले तो सी सिक्स एच फाइव होल्ल है इसका सी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन सी सिक्स एच फाइव का होल्ट है सी एच सिंगल पॉजिटिव इज ग्रेटर दैन सी सिक्स एच फाइव सी पॉजिटिव एच टू सी एच थ्री सी पॉजिटिव इज ग्रेटर दैन एल आइल इज ग्रेटर दैन सेकेंड इज ग्रेटर दैन प्राइमरी इज ग्रेटर दैन सी सिक्स पॉजिटिव और एच फाइव इज ग्रेटर दैन विनाइल तो लेस स्टेबल कार्बनकेटाइन प्राइमरी so, से और सेकेंडरी कैन बी कन्वर्टेड इंटू मोर स्टेबल कार्बन कैटाइन सेकेंडरी और टर्शरी थ्रू वन कॉमा टू हाइड्राइड शिफ्ट और वन कामा टू मिथाइल शिफ्ट तो इससे हम प्राइमरी को सेकेंडरी और सेकेंडरी को टर्शरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनकी जो कार्बन कैटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसे हम बढ़ा सकते हैं कार्बन कंटेनिंग केमिकल स्पीसीज बेरिंग ए नगेटिव चार्ज उनका कार्बन एटम एंड कैरिंग एट इलेक्ट्रॉन यूनिट्स वेलेंशियल इज कॉल्ड हैज़ ए कार्बन एनाइन कार्बन एनाइन एक्ट हैज़ ए न्यूक्लियोफाइल हैज़ दीज आर रिच स्पीशीज ऑफ़ द स्टेबिलिटी ऑफ़ द कार्बन केनाइनज कार्ब एनाइनज सी सिक्स एच फाइव का होता रहा है सी नेगेटिव अब देखो यहाँ तीन लगे हुए यहाँ दो हैं है ना ये ग्रुप यहाँ पर आप देख रहे हो आगे को एक भी नहीं बचा तो धीरे धीरे इसकी कम होती जा रही है है ना कार्बो केनाइन की जो स्टेबिलिटी है और इस तरीके से ये आप देख रहे हो तो न्यूट्रल डाइवलेंट कार्बन स्पीशीज ने बीच टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ प्रेजेंट अलॉन्ग विद टू बॉन्डिंग पेयर आर्ट कार दार्बीस तो उसने क्या कहा न्यूट्रल डाईविलेंट कार्बन राइट न्यूट्रल डाइविलेंट कार्बन स्पीशीज इन विच टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अलोंग विद टू बॉन्डिंग पेयर्स आर कॉल्ड कार्बीन्स मतलब दो लगे हो दो आपके पास क्या हो उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर हो और दो बॉन्ड तो हुए हैं ही हैं तो ऐसे वो क्या बोलोगे आप कार्बीस कार्बीन एक्ट हैज इलेक्ट्रोफाइल्स सच हैज दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ए कोविलेंट बॉन्ड सॉरी प्रेजेंस ऑफ सम एटम और ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल और प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में लीड टू द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवलेंट बॉन्ड द फैक्टर दैट रिजल्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवलेंट बॉन्ड आर डिस्कस बिलो तो यहाँ क्या हो रहा है किसी एटम की वजह से किसी ग्रुप की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है मॉलिक्यूल और प्रेजेंस ऑफ किसी रिएक्टिंग एक्टिंग रिएजेंट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोवलेंट की फॉर्म में द फैक्टर दैट रिजल्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं पहला आता आपका इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्या हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इज जस्ट लाइक शिफ्टिंग ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स इफ शेयर पेयर इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेक्टिव आइटम द लेस इलेक्ट्रोनेक्टिव आइटम एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेक्टिव आइटम एक्वायर पार्शली नेगेटिव चार्ज सिंपल सी बात है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा जस्ट लाइक शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स की किस तरफ हो रही है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दोनों पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं मतलब दोनों जो आइटम है वो पोलर है राइट right? और कोवलेंट है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं यहाँ पर क्या हो रहा है इफ़ शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेटिव दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनिटिविटी ज़्यादा उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन पे, का पेयर है वो शिफ्ट कर रहा है इस वजह से क्या होगा जो कम इक्ट्रॉन एटम है उसके ऊपर सिलेक्टली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटम है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा राइट जैसे हम जहाँ देख रहे हैं सी एस थ्री और सी एल सी एल के अंदर सी एल की जो इलेक्ट्रॉन है वो सी एस थ्री से एल्टिक ग्रुप से ज़्यादा है तो इसलिए ये सारे का सारा जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है सी एल की तरफ तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव और इसके पार्शियल नेगेटिव इफ एन एटम और ग्रुप विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्राम द कार्बन दिस इज नोन एज ए आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इसे राइट वाइल्ड इन ऐटम और ग्रोप डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ए कार्बन दिस नोन एज ए प्लस आई इफेक्ट क्या बोल रहे हैं ए फैन एटम और ग्रोप विद ड्रॉन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन दिस इफेक्ट इज ए माइनस आई माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना और अगर कोई आइटम और ग्रुप डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को टू ए कार्बन तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट दिस इज द परामनेंट इफेक्ट एंड प्रोपीगेट थ्रू दी कार्बन चेन तो ये कैसा होता है एक परमानेंट इफेक्ट होता है एंड प्रोपिगेट थ्रू कार्बन चेन राइट तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये पूरी चेन की तरफ प्रोपिगेट कर रहा है यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है या नेगेटिव है इस तरीके से आप देख रहे हो तो ये प्राइमरी एलकाइड है तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ सल ग्रुप लगा हो यहाँ सी एल ग्रुप लगा, लगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉ की इसकी इलेक्ट्रॉनिटिविटी ज़्यादा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेड़ को अपनी तरफ खींच रहा है और उसमें जैसे क्या है बैक साइड अब इसका इफेक्ट जो इस पर ज़्यादा होगा तो यहाँ प्लस पॉजिटिव इस पर कम है तो यहाँ पर बहुत ही कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है राइट right? आगे देखते हैं हीयर क्लोरीन हैज़ ए माइनस आई इफेक्ट एंड एल्काइल ग्रुप हैज़ पॉजिटिव आई इफेक्ट तो एल्काइ ग्रुप के ऊपर क्या लग रहा है पॉजिटिव और उसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द एल्काइल ग्रुप ग्रेटर वुड बी द आई जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आई इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट वो बढ़ता जाएगा तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन का नंबर बढ़ता जा रहा है जैसे यहाँ ये यह कार्बन का नंबर बढ़ गया तो ये टू अल्काइल हेलाइड है यहाँ टर्शरी अल्काइल हेलाइड है ठीक तो यहाँ पर जो इफेक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं राइट पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इन्हांस द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द हेलोजन एटम्स टर्शरी अल्काइल हेलाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव डू टू दी मोर पॉजिटिव आई इफेक्ट तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है राइट मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मतलब जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा पॉजिटिव पार्शियल प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो हमें ज़्यादा रिएक्शन मिलेगी अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटि ई डी जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एलेक्ट्रिक ग्रुप्स लाइक सी एस थ्री सी टू एच फाइव ये सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं जो लेते हैं सच एज एन ओ टू सी एन सी ओ एच है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी ओ आर एर में कोई भी हल्का ग्रुप लगा हुआ यहाँ पर ओ सी टू एस सिक्स फाइव सेक्टर है प्रोड्यूस माइनस आई इफेक्ट आप बात करते हैं इलेक्ट्रो मिरिक इफेक्ट इसमें क्या होता है इट इज़ डिफेंड एज ए पुलैरिटी प्रोड्यूज इन ए मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड हैज़ ए रिएजेंट अप्रोच इट यहाँ पर क्या हो रहा है इसे हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं यहाँ पर पुलैरिटी आ रही है कैसे पैदा हो रही है पुलैरिटी इन अ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड हैज़ ए रिएजेंट अप्रोच इट जैसे कोई रिएजेंट उनके नज़दीक आएगा तो जो मल्टीपल बॉन्डेड जो कंपाउंड है उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी पोलैरिटी देखने को मिलेगी इन दी प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट द टू पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर टू एनी ऑफ देम वन एटम तो दोनों में से किसी जो भी दो एटम है उनके बीच में जो डबल बॉन्ड है डबल जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करने लग पड़ेगा किसकी तरफ किसी भी दोनों में से किसी भी एटम की तरफ राइट तो जैसे ये देख रहे हो आप कोई रिएजेंट डाला आपने तो ये यहाँ शिफ्ट कर गया तो यहाँ पर हमारा ई रिएजेंट लगा हुआ है ना राइट तो हमारे यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आ रहा है आपका इलेक्ट्रो इफेक्ट नेक्स्ट बात करते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर रिएजेंट आ गया तो इस तरीके के साथ देख रहे हो ये प्लस ई e टाइप और ये माइनस ई टाइप क्योंकि इसके पास तो ये यहाँ आप देख रहे हो इसके साथ जुड़ा है जुड़ा किस साइड है जिस साइड ही इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये हो गया प्लस ई टाइप इंड इफेक्ट है ना ये सॉरी इलेक्ट्रो मरिक इफेक्ट यहाँ पर क्या हुआ जुड़ा तो यहाँ पर है लेकिन अटैचमेंट उसकी इधर हुई तो ये हो गया माइनस ई टाइप नेक्स्ट बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की इट इन्वॉल्व इट इन्वॉल्व डी लोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स दिस इफेक्ट में बी प्लस आर टाइप और माइनस आर टाइप तो ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेट सिस्टम शोज दी पॉजिटिव रेजोनेंस तो जो डोनेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे लाइक like हैलोजन आटोक्सल ओ आर ओ सी ओ आर और एन एच टू आर कोई भी हल्का ग्रुप लगाओ एन एच टू और एन एच सी ओ आर एस दिस इफेक्ट इज इन ए लाइन शोन हैज तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं अब जैसे ये इधर आ सकता है तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा है ना ये पूरी पूरी शिफ्टिंग चलेगी इस तरीके से जैसे आपने बेंजीन की रिंग में देखा है अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रोड्यूसिंग प्लस आर इफेक्ट आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग द इफेक्ट द एक्टिव द बेजीन ड्रिंग टू वॉर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन एक्सेप्ट हेलोजन हेलोजन सेलेक्टली डीएक्टिव द बेजीन ड्रिंग्स टू वर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन मोर द ईडी जी मोर इज द बेसिक नेचर तो यहाँ क्या हो रहा है कह रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रूप प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव आर्थ तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो क्या करेगा पॉजिटिव जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा और ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग उसकी डायरेक्शन कैसी होगी ऑर्थोर पैरा द एक्टिव दी देंजीन रिंग टुवार्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन बेंजी रिंग एक्टिवेट करते हैं ऐसा हैंड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन एक्सेप्ट हेलोजन हेलोजन डीएक्टिवेट दी एक्सेप्टलोजन रिंग टुवार्ड द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मोर द ईडी जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मोर द बेसिक नेचर राइट इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेट सिस्टम शोज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट तो ये हमारे पास एग्जांपल है सी डब्लू ओ एच सिंगल बॉन्ड सी ओ आर सिंगल बॉन्ड सी एच ओ सी एन एन ओ टू और एक्सेट्रा तो ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और पहले डोनेट कर रहा था अब ये ले रहे हैं इस वाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यानी ई डब्ल्यू जी प्रोड्यूसिंग नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट ऑन मेटा डायरेक्टिंग वो जो थे उनकी डायरेक्शन क्या थी ऑर्थो एंड पैरा ऑर्थो या पैरा और इसकी मेटा डायरेक्टिंग दे डीएक्टिवेट द बेजीन रिंग टू वर्ड द इलेक्ट्रोफिलिकब्सिट्यूशन डायरेक्शन ये डीएक्टिवेट करते हैं, वो एक्टिवेट करता था मोर ई डब्ल्यू जी मोर इज द एसिडिक नेचर और यहाँ क्या था मोर ई डी जी मोर इज द बेसिक और मोर ई डब्ल्यू जी मोर इज द एसिडिक नेचर इन कंपाउंड एग्जिबिटिंग रेजोनेस बॉन्ड ऑर्डर कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला अगर आपने हमें रेजोनेंस दी गई है तो हम बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ़ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उन उसका नंबर आएगा अपॉन में और ऊपर कितना आएगा कितने बॉन्ड के बीच में एटम्स uh, के बीच में बॉन्ड्स का नंबर है इन बेंजीन मॉलिक्यूल विद फॉलोइंग कैनोनिकल फॉर्म्स तो ये फॉर्म्स बन जाती है हमारी तो रेजोनेंस एनर्जी नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इन बेंजीन रेजोनेंस एनर्जी इज 36 सिक्स किलो, किलो पर मोल थी आपसे कई बार पूछ सकती है कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस एनर्जी हमारी कितनी होती है इज 36 सिक्स किलोरी मोल नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजोमेरिक इफेक्ट इट इज डिपेंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू द कंजुकेशन इट इज ए परमानेंट इफेक्ट एंड कैटेगराइज टू पॉजिटिव म्यूजूमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव म्यूजूमेरिक इफेक्ट जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट ये जस्ट आई इफेक्ट की तरह ही होता है यहाँ पर भी, भी क्या पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है क्यों हो रही है कंजुगेशन की वजह से तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जैसे एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल अब ये ओ है वो सारे बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा ये यह यहाँ आएंगे तो ये यह यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे है ना तो यहाँ पर कंजुगेशन हो रही है द ग्रुप और एटम इज़ सेट टू बी शो पॉजिटिव एम इफेक्ट वन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिसप्लेसमेंट अवे कोई ग्रुप या आइटम कब एम ये हमारा पॉजिटिव म्यूजे इफेक्ट शो करेगा जब इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहे हो है ना और उसके पास आ रहे हो तो वो उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ये देख रहे हो आप जैसे एन एच टू यहाँ से दे रहा है इस तरीके से जा रहा है है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ़ द पॉजिटिव एंड पावर ऑफ ग्रुप तो ऑक्सीजन नेगेटिव ज्यादा है एन एच टू ग्रेटर दैन ओ एच ग्रेटर दैन ओआर ग्रोथ ग्रेटर दैन एन एच ए सी ग्रेटर देन एलकाई ग्रुप्स ग्रेटर दैन सी एस थ्री प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी फिनाइल ग्रुप्स द ग्रुप और एटम इज टू हैवे नेगेटिव म्यूजोमरिक इफेक्ट वैन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिसप्लेसमेंट इन टू ऑडिट्स एग्जाम्पल हमार अब नेगेटिव म्यूजोमेरिक इफेक्ट कब आएगा जब वो 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 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को डिसप्लेसमेंट को अपनी तरफ खींचे जैसे ही ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है तो ये तब आएगा नेगेटिव ये हमारे पास एग्जाम्पल है एन एच थ्री इज ग्रेटर दैन एन ओ टू इज ग्रेटर दैन सी एक्स थ्री इज ग्रेटर दैन सी एन एन इज ग्रेटर दैन एस ओ थ्री एच ग्रेटर दैन सी एच ओ ग्रेटर देन सी डब्ल्यू एच ग्रेटर दैन सी ओ सी एल ग्रेटर देन सी ओ आर ग्रेटर देन सी ओ एन एच टू अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास आ गई हाइपर कंजुकेशन हाइपर केंजुकेशन क्या होती है हाइपर हाइप्रोकुकेशन इट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ द सी एच बॉन्ड ऑफ एन एलकाई ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू एन एटम ऑन अनसेचुरेटेड सिस्टम और टू एन एटम विद एन अनशेड पी और पटल तो यहाँ पर जो डी लोकलाइजेशन हो रही है सिग्माबूकिन के बीच में हो रही है कार्बन और हाइड्रोजन बॉड की इसको याद रखना इसे कहते हैं हाइपर कंजुकेशन तो कहाँ पर हो रही है डीलोकलाइजेशन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है सिगमा बॉन्ड उसके उसकी इलेक्ट्रॉन जो है ठीक और किसके एल्काइ्रुप अटैच डायरेक्टली टू ए एन एटम ऑन अन सेचुरेट सिस्टम और टू एन एटम विद ए अनशेड अनसेचुरेट जहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड हो और सैचुरेड सॉरी अनसेचुरड जहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले और सैचरेटेड जहाँ पर सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड मिले कंडीशन वो होती है तो आप देख रहे हो इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया और इसका यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से एच पॉजिटिव रिमूव हो गया और इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया तो हाइपर कंजुकेशन की क्या चीज़ें होती हैं कंडीशन क्या, क्या क्या है कंडीशन फॉर द हाइपर कंजुकेशन आर एज इस फॉलोज कंपाउंड शुड हैव लीस्ट वन एस पी टू हाइब्रिड हाइब्रिड कार्बन ऑफ आइदर एल्कीन एल्काइल कार्बोकैटाइन और एल्काइल फ्री रेडिकल्स अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू एस पी टू हाइब्रिड कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन मोर द नंबर ऑफ एच और सी बॉन्ड्स अटैच टू द अनसे सिस्टम मोर स्टेबल बिल बी द एल्कीन। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द हाइबर कॉन्जुकेशन पहली बात एल्किी स्टेबिलिटी मिलती है एल्किन कौन से स्टेबिलिटी ऑफ़ द एल्की मोर द नंबर ऑफ द अफ्फा हाइड्रोजन आइटम्स मोर स्टेबल इज द एल्कीन तो ये हमारे पास क्या है सारे अफा ये सारे अल्फा हाइड्रोजन से आगे कुछ भी कनेक्शन नहीं है तो जितने ज़्यादा होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी राइट स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन के ग्रेटर इज द नंबर ऑफ द एल्काइक ग्रुप्स अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के आइटम्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी जितने ज़्यादा एल्काइक ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा ही स्टेबिलिटी होगी अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट हैज़ वेल ऐज द मेकानिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन बी क्लासीफाइड इंटू फोर मेजर कैटेगरी सब्सिट्यूशन एडिशन इलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट रियक्शन तो यहाँ बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप की होती है और ये किस बात पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हैज़ वेल एज मेकानिज्म और ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम कितने और फोर टाइप में कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं पहला है सब्सिट्यूशन एडिशन इलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस राइट तो इसमें हम बात करते हैं सब्सिट्यूशन रिएक्शन की सबसे पहले इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम अ रिएजेंट एजेंट रिप्लेस और सब्सिट्यूट इट्स फॉर वन एटम और अ ग्रुप एटम ऑन सबस्ट्रेट तो यहाँ आप क्या देख रहे हो सब्सिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह लेना है ना तो यहाँ हो क्या रहा है सिलेक्शन के अंदर इज अ टाइप ऑफ एक्शन इन विच वन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम द रिएजेंट रिप्लेस और सब्सिट्यूट इट सेल्फ फॉर वन एटम और ग्रुप एटम ऑन द सब्सिटेट यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी आपके पास सबस्ट्रेट है उसके अंदर कोई एटम लगा हुआ उस एटम की जगह पर आपका रिएजेंट आकर खुद बैठ जाए उसे रिप्लेस कर दे तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी सब्सिटूशन जैसे आप देख रहे हो आपके आपके पास क्या इथाइल अल्कोहल उसे रिएक्शन करवा रहे हैं आप क्लोराइड क्लोराइडाइन के साथ एक ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं जो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं अट्रैक्ट करते हैं अब इसने क्या किया इस वच की जगह पर खुद को रिप्लेस कर दिया है ना और वोच में आउट हो गया यहाँ से रिएक्शन तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे सब्सिट्यूशन रिएक्शन इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यून द रिएजेंट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पे आप देख रहे हो एच यहाँ से एच रिमूव कर दिया तो ये इस रेक्शन में नेक्स्ट है एडिशन रिकेक्शन में क्या होगा इजी टाइप ऑफ रेक्शन बीच द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम द रीजन एड टू द दिसट जनरली विदाउट लूजिंग एनी एटम यहाँ पर किसी का लॉस नहीं होगा वहाँ लॉस हो रहा है ना रिप्लेसमेंट हो रही होगी एक है वो दूसरी जगह का बैठ रहा है और जिसकी जगह बैठ रहा है वो वहाँ से निकल जा रहा है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि सी एच ये हमारे पास क्या है इथलिन है एथलिन की रेक्शन किस करा रहे हैं एच बी आर के साथ है ना तो साथ में ब्रोमिन लग गया हमारे साथ इलिमिनेशन रेक्शन रिमूव टू एटम और टू ग्रुप्स ऑफ द एटम फ्रॉम सबस्टेट गिविंग द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और इन ए सेम केस कॉजिंग इट फॉर्म ए रिंग तो इलिमिनेशन रिंग में क्या हो रहा है अब जैसे हम यहाँ देख रहे हो सी एस थ्री सी ओ एच यहाँ पर पूरे सिस्टम चेंज हो रहा है ना रिमूव टू एटम्स यहाँ दो एटम बन रहे हैं और टू ग्रुप्स ऑफ एटम्स तो यहाँ एच टू पानी का मालिकूलर हम यहाँ से रिमूव कर गया रीअरेंजमेंट रिएक्शन यूजली अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट और अंडर द स्पेशल थर्मोडानेमिक कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पर रीअरेंजमेंट जैसे हमारे पास ये ऑक्साइम था इसमें बैकमेन रीअरेंजमेंट हो, हो गई चीज़ों की है ना तो चीज़ों की जहाँ पर रीअरेंजमेंट हो वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए जो डिफरेंट मैथड्स हैं उनको हम देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, या वाली चीज़ है टू कॉम द कॉमन टेक्निक यूज फॉर द प्योरीफिकेशन आर एस फेलोज पहला आ गया सब्लीमेशन प्रोसेस इज इंप्लॉयड फॉर दो सॉलिड सबस्टांस डायरेक्टली चेंज इन टू वेपर फेज इट इज़ यूज टू सेपरेट सबलीमीएबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लीमेबल कंपाउंडस सब्लीमेशन प्रोसेस का कहाँ यूज होता है इंप्लॉयड फॉर दो सॉलिड सबस्टांस डायरेक्टली चेंज इन टू वेपर जहाँ पर हम सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हम उन चीज़ों को अलग करते हैं जहाँ पर सॉलिड को आप डायरेक्ट चेंज कर रहे हो वेपर के अंदर तो यहाँ पर आप इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट सबलीमिएबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन तो यहाँ पर आप सेपरेट कर रहे हो सबलीमेबल कंपाउंड को जो पहले क्या थे नॉन सबलीमेबल कंपाउंड राइट क्रिस्टलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज टू टेक्निक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज़ यूज बेज ऑन द डिफेंसेज इन दी सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी इन ए सोल सुटेबल सॉलवेंट तो यहाँ पर हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं और यूज़ कहाँ करते हैं जहाँ पर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और किस बात पर ये डिपेंड करता है इनका सेपरेशन प्योरीफिकेशन डिपेंड करता है कि कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसी है और किस सॉल्वेंट में वो इम्पोरिटी सॉलिबेंट के अंदर कौन कौन से सूटेबल इंपोरिटीज़ है राइट डिस्लेशन मेथड में क्या होता है इज़ यूज टू सेपरेट वॉलेटाइल लिक्विड्स जो उड़ने वाले जो वेपर के फॉर्म में जो वोटाइल लिक्विड होते हैं फ्राम वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ के अंदर तो यहाँ पर क्या होगी जो आपके लिक्विड है वो तो वॉलेटाइल होगा और जो इम्प्योरिटीज होती, है, वो होती है, points, हैं वो नॉन वॉलेटाइल होती हैं राइट द लिक्विड हैविंग सफिशेंट डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉयलिंग पॉइंट्स वेपराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर और फ्रैक्शनल डिस हैं इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैथड्स डिस्टलेन अंडर द रिड्यूस प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन दिस मैथड इज यूज टू प्यरीफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉयलिंग पॉइंट्स एंड दोज विच डीकम्पोज एट और बिलो देयर बॉयलिंग पॉइंट्स ग्लेटरॉल कैन भी सेपरेट फ्राम दिस पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाई दिस मैथड स्टीम डिस्टिलेशन दिस मैथड इज यूज फैन आर स्टीम वॉलेटल एंड इमिसिबल विद वाटर जब पानी में नहीं घुलते उनके लिए स्टीम डिस्टलेशन का हम यूज़ करते हैं आगे है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज यूज़ टू सेपरेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन दी एक्वस मीडियम इट इज़ सेपरेट बाय शेकिंग इट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज़ मोर सोल्वल देन इन वाटर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सोलूशन शुड बी इमिशिबल विद ईच अदर सो दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन बी सेपरेट बाय सेपरेटिंग फनल नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक एक्सटेंसिवली यूज टू सेपरेट द मिक्सचर इन टू इं टू देर कम्पोनेंट in this technique the mixture of substance is applied onto a stationary phase solid or liquid a pure solvent a mixture of solvents or a gas is allowed to move slowly over the stationary phase based on the principle involved chromatography is classified into two categories adsorption chromatography or partition chromatography following are two main type of the chromatographic techniques based on the principle of differential absorption column, uh, column chromatography or thin layer क्रोमेटोग्राफी नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की दिस मैथड इन्वॉल्व द कन्वर्शन ऑफ कोविलेंटली बॉन्डेड नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन प्रेजेंट इन दर्गेनिक कंपाउंड टू कॉरस्पॉन्डिंग वाटर सोलबल आइंस इन द फॉर्म ऑफ सोडियम साल्ट तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या होगा यहाँ पर कन्वर्शन हो रहा है जो कोविलेंटली बॉन्ड जुड़े होते हैं कौन नाइट्रोजन सल्फर या हेलोजन किन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ और किस में टू कॉरस्पॉन्डिंग वाटर सोलबल आइन और किस फॉर्म में सोडियम साल्ट के साथ डिटेक्शन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन Carbon and hydrogen present in the organic compound are detected by the heating with CuO (copper oxide), such as carbon change into carbon dioxide. St tested with lime water, which develops turbidity, and hydrogen to water. Tested with anhydrous copper sulphate, which turns blue. Detection of other elements: nitrogen, sulphur, hydrogen, and phosphorus present in an organic compound are detected by lacigens uh, test. जैसे सोडियम कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ गर्म करोगे तो एन देगा टू एन प्लस सल्फर प्लस गर्म करोगे तो टू तो एन देगा सोडियम एक्स कैस गर् करोगे तो एक्स तो गिविंग यू एक्स क्या हो सकता है क्लोरिन ग्लोबिन और आइडीन तो नाइट्रोजन के लिए क्या टेस्ट है हमारे पास टेस्ट फॉर नाइट्रोजन तो हमारे पास साइनाइड सिक्स सी एन नेगेटिव प्लस एफ ई टू पॉजिटिव गिविंग यू एफ ई सी एन का होल सिक्स का होल माइनस फोर थ्री एफ ई सी एन का होल सिक्स का होल्ड फोर नेगेटिव प्लस फोर एफ ई थ्री प्लस थ्री एक्स मॉलिकुल ऑफ वाटर गिविंग यू एफ ई फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स का होल थ्राइज और डॉट एक्स एस टू परशियन ब्लू हमारे पास रिसीव होता है लाजगियन टेस्ट इज़ गिवन बाई कंपाउंड कैरिंग नाइट्रोजन एंड कार्बन सो हाइड्राजीन एन एस टू एन एस टू एंड हाइड्रोक्सिलमीन एन एस टू वज डो नॉट गिव दिस टेस्ट सल्फर के लिए एस माइनस टू और पी बी लड प्लस टू गिविंग यू पी बी एस ब्लैक एन सी एन एस को जब रेड कराते हो तो हमें क्या मिलता है एन ए एस सी एन मिल जाता है आयर एन एफ ई प्लस थ्री की प्लस एस सी एन नेगेटिव गिविंग यू एफ ई एस सी एन का होल्ड वन प्लस टू गिविंग यू ब्लड रेड टेस्ट नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट फॉर द हेलोजन द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रटिजिफाइड विद नैटिक एसिड एंड दैन ट्रीट विद दिलोनाइटेड तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव कोई भी हो सकता है और ए जी के साथ रिएक्शन करके, करके क्या देगा ए जी एक्स तो एक्स को हम यहाँ पर क्लोरिन ब्रोमिन कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं ए जी सी एल वाइट प्रेसिपिटेट देता है ए जी बी आर डल येलो प्रेसिपिटेट देता है और ए जी एल ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट देगा आपको नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट फॉर फॉस्फोरस द कंपाउंड इज हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सोडियम पर ऑक्साइड द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोट राइट द सोल्यूशन इज बॉयल्ड विद नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विद अमोनियमिबेट द येलो कलरेशन और प्रेस्परेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉसफोरस अब बात करते हैं क्वानिडेटिव पहली बात होगी कॉलिटेटिव की द क्वानिटेटिव एनालिसिस कैरिड आउट और डिटरमाइंड इन विच द डिफरेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टिमेशन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेट बाई द लिविंग मेथड परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू वेट ऑफ सीओ टू ओवर फोर्टी फोर इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू हंड्रेड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालनी हो तो टू ओवर एटीन इंटू वेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू हंड्रेड तो ये कार्बन की परसेंटेज के निकालने फॉर्मूला और ये हाइड्रोजन की परसेंटेज का एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय आदर बाय फॉलोइंग टू मेथड्स पहला है डूमाज मेथड लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एम ग्राम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड वी वन एम एल वी वन मिलीलीटर और रूम टेम्परेचर हमारे पास कितने टी वन के तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एस टी पी तो गिविंग यू पी पी वन वी वन इंटू टू सेवेंटी थ्री ओवर सेवन सिक्सटी इंटू टी वन तो लेट इट वी एम एर पी एंड वी वन आर द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन पी वन एटमोसफियर प्रेशर माइनस एक्व टेंशन तो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड एम एल नाइट्रोजन एट एस टी बी वे ट्वेंटी एट ग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो वी एम एल नाइट्रोजन एट एस टी ट्वेंटी एट इंटू वी ओवर 202400 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या निकल कर आया 28 into v into 100 ओवर 202400 m दूसरा मेथड है जल्डाल मेथड लेट द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन w ग्राम वॉल्यूम ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ द मोलैरिटी m टेकन एंड v ml एंड सो v1 ml ऑफ द nh of the molarity m तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 m, into m into 2 v1 minor, v वी वन ओवर टू ओवर डब्लू नेक्स्ट बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ द हेलोजन एंड सल्फर एस्टिमेशन ऑफ द हेलोजन एंड सल्फर इज डन बाय एरियस मेथड हैज फॉलोज लेट इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू डब्लू ग्राम और मास ऑफ ए जी एक्स फॉर्म एक्स के कोई भी हेलोजन लगा, लगा लो आप तो इज इक्वल टू डब्लू वन ग्राम परसेंटेज ऑफ द हेलोजन अटोमिक मॉस ऑफ द हेलोजन इन टू वेट ऑफ द ए जी एक्स Over molecular mass of AGX into W into 100. So percentage of sulfur 32 mass of the BASO4 into 100 20 over 23 into mass of the organic compound. Estimation of the halogen and sulfur is carried out follows percentage of the phosphorus. 62 into mass of mg2 p 20 7 over 222 into weight of organic compound into 100 or percentage of phosphorus 31 into mass of NH4K whole thrice PO4 dot W MOO3. ओवर 1877 हंड्रेड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू हंड्रेड तो इस तरीके से हमने ये हेलोजन का और सल्फर का एस्टिमेशन किया उससे पहले नाइट्रोजन का देखा नाइट्रोजन के लिए हमने दो मैथड देखे डोमा और जेलडाल मैथड तो ये सारे हम क्वेश्चन भी करेंगे इनकी जब हम एम में देखेंगे तो इनसे रिलेटेड सारे के सारे हमने क्वेश्चन करने हैं तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच